एक खुफिया मीटिंग रखी गई। नताशा केस, रोड एक्सीडेंट। नताशा ने 5 बंदों का कत्ल सरेआम कर दिया, हम इसको यही बोल सकते हैं। नशे में धुन 5 बंदे, बात गई लड़की दुबई, यहाँ जो मरे उनका कुछ पता नहीं। जब इंसानियत मर जाती है तो इंसान को ना पता चलता है कि वो हराम खा रहा है, ना पता चलता है कि वो हलाल खा रहा है, ना पता चलता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, ना पता चलता है कि वो बुरा काम कर रहा है, क्योंकि इंसानियत मर गई है तो कुछ भी इसको पता नहीं चलता। नशे की हालत में धुंध होके, नशे की हालत में उसने 5 बंदों का कत्ल किया। खुफिया वीडियो जो डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि आपने इसको मेंटली पेशेंट बताना है कि ये जहनी मरीज़ है। आप मेरे दाएं जानब या बाएं जानब वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, ये खुफिया मीटिंग जहाँ पे नताशा का वकील और डॉक्टर है, मीटिंग है कि भाई तुमने, हम तुझे पैसे देंगे, ठीक है, और तुमने इस लड़की को बताना है, तूने इस लड़की के बारे में बताना है कि ये जी मेंटल है, पागल है, ये जहनी मरीज़ा है। जब ये सारी मीटिंग हुई, ठीक है, और कुछ डॉक्टर्स को समझ आई, कुछ वकील ने समझाया, अब ये जो कातिला है ये जाके दीवार की तरफ जाके खड़ी हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सारा काम आता है वकील का और डॉक्टर का। वकील ने अपना काम करना है, डॉक्टर ने अपना काम करना है। वकील ने झूठे बयान, झूठे दलाइल, झूठे गवाह पेश करने हैं, और डॉक्टर ने, या डॉक्टर का ईमान अगर ज़िंदा है, अगर वो ईमान वाला है, ठीक है, तो वो कभी भी गलत रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर उसका ज़मीर मर चुका है, ठीक है, ज़मीर बिक चुका है, तो वो गलत रिपोर्ट देगा। अब ये सारा मामला ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसको थाने लेके जाया गया, फिर रिहा हुई, वहाँ से वापस आ गई, फिर ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ये खुफिया वीडियो वहाँ पे बनाई गई है, अल्लाह जानता है ये कैसे बनी है, लेकिन बन गई है, आ गई है हमारे सामने। वहाँ पे सारे मामला तय हो गए, लेकिन इसको लालच दी गई, पैसा देंगे हम तुझे, धमकाया गया। तब सबका ईमान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, सबकी नीयत एक जैसी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि सारे वकील एक जैसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे जज एक जैसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे जो डॉक्टर्स एक जैसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो सारे कातिल हैं वो एक जैसे हैं। कातिल की कई किस्में होती हैं, ठीक है, कई कत्ल करके मान जाते हैं, कई भाग जाते हैं, ठीक है, कई कत्ल पे कत्ल करते रहते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना मैं बरी रहूं। ये सारे मामला चलते रहते हैं। अब हुआ कुछ यूं कि एक तरफ वो वकील जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उस लड़की को बचाने के लिए, ठीक है, अपना ज़मीर ईमान, ठीक है, बेच देता है पैसे की खातिर। आज मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आज ये जो वकील है पैसे के नशे में या पैसे की लालच में अपना ज़मीर और अपना ईमान बेच रहा है, कल को इसी की औलाद इसके मरने पर, ठीक है, नहीं रोएगी, इसी की औलाद, ठीक है, इसी के मरने के बाद इसकी कब्र तक नहीं जाएगी, इसी की औलाद, ठीक है, इसी के मरने के बाद, ठीक है, इसको पूछेगी नहीं, कब्र पे नहीं जाएगी, क्योंकि हराम है ना। हराम जो है वो जब ये समझ ले कि जो हराम है वो निकल जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है, हराम हराम है, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए में अगर 10 रुपए का नोट भी हराम तरीके से कमाया गया, अगर आप उसको उसमें जमा करते हैं या ऐड कर देते हैं या डाल देते हैं, तो वो सारा हराम है, ठीक है, वो हलाल नहीं रहा। जैसे कि आप जो है ना साफ पानी में, ठीक है, 2 से 3 कतरे आप जहर मिला दें या गंदा पानी मिला दें, वो गंदा पानी ही रहेगा, वो साफ नहीं हो जाएगा। सेम इसी तरह जब हलाल पैसे में आप हराम को ऐड करेंगे तो ऐसे ही होगा। खुदारा बंद करें ये ड्रामे,
खुदारा इंसाफ दिलाएं उनको जिनके, मैं आपको क्या कहूँ, जिसका बाप दुनिया से चला गया, जिसकी बहन दुनिया से चलेगी, जिसका शोहर दुनिया से चला गया। खुदारा बंद करें इसको। आज तुम लोग पाकिस्तान से फरार हो गए हो, कोई मसला नहीं, लेकिन कल क़यामत के रोज़ कहाँ फरार हो गए? हाँ, केड़े अब्बे को जाना ही? हाँ, आज तू 5 कत्ल किते या तू दुबई भज गई हैं, कल क़यामत को, कल क़यामत वाले दिन तू कित्थे भजेंगी, केड़े अब्बे को जाएंगी? उत्थे होंगे जी, की करेंगी फिर जो ना सारा तेरा गिरेबान पकड़िया? ठीक है, वकील को भी लालच है, ठीक है, पकड़ा जाएगा एक दिन। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी इसी का हक और सच का रास्ता अख्तियार करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाएं बस। क्या पता कल किसकी बारी है, कौन उठ जाए। अल्लाह हाफिज़।